पी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। उपायुक्त के आदेश को भी निजी विद्यालय के संचालक लोग उड़ा रहे हैं धज्जियां। बढ़ती ठंड को देखकर उपायुक्त रमेश गोलाब ने जिले के सभी निजी सरकारी विद्यालयों को 4 जनवरी तक बंद करने के आदेश दिए हैं। इसके बावजूद भी कुछ ऐसे विद्यालय हैं जो इनके आदेशों का पालन नहीं करते हैं। इसमें जयनगर प्रखंड के कुछ निजी विद्यालय शामिल हैं। बढ़ती ठंड, कपकपा देने वाली हवा, चित्रघर के बावजूद भी बस्ता लेकर जीने को मजबूर विद्यालय की ओर रवाना हो रहे थे। पता चला कि सेंट कोलम्बस पब्लिक स्कूल जयनगर आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल डंडरडीए के संचालकों ने बढ़ती ठंड में भी जब लोग घरों में दुबके पड़े हैं, अलाव का सहारा लेकर के लोग चौक चौराहों पर अपनी ठंड को भगाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी इन विद्यालयों के बच्चे विद्यालय की ओर जा रहे हैं। घर में अभिभावकों के मना करने के बाद भी इन निजी विद्यालय के संचालकों की मनमानी जोरों पर है। कोडरमा से जय कुमार की रिपोर्ट। नहीं था आज का डर, कुछ नहीं बता सकते। अब जब जब बच्चा आएगा तो हम छोड़ेंगे उसको हम छोड़ेंगे। आपको इन्फॉर्मेशन मिला होगा ना जिला से? इन्फॉर्मेशन हमको मिला है लेकिन बच्चा को नहीं मिला है ना। बच्चा सर, हम स्कूल में आए, छोड़ दिए बच्चा। सर आप तो सर कम से कम कॉल करके भी तो बोल सकते थे। कैसे कॉल कर सकते हैं? आप मोबाइल ऐप बनाए हैं? मेरे पास बना है लेकिन गार्जियन के पास नहीं बना है। जैसे आप जो मोबाइल ऐप बनाएंगे, बच्चे को अगर आपका किसी को फी लेना हो तो आप कैसे इन्फॉर्म करते हैं? जैसे लेते हैं तो जैसे हम लोग ऑलरेडी आते हैं वहाँ पर। नोटिस कहा है आप कहीं बोर्ड में? आपका नोटिस चिपका हुआ है? नोटिस बोर्ड निकल के लिखा है? एकदम नोटिस बोर्ड है, जाइए देखिए। आप कहीं को बोर्ड दिखा दीजिए। आइए आप। क्या नाम है आपका? अयान खान। आपका? मुमतजीम खान। कहाँ घर है? जयनगर में है। हाँ। क्या सर लोग इन्फॉर्मेशन नहीं दिए थे आप लोग को छुट्टी का? और आज स्कूल खुली हुई थी। हाँ। क्या नाम है सर का? अनिल सर। हाँ अनिल सर। जो भी यहाँ का प्रिंसिपल है, क्या नाम है? अनिल सर। अनिल सर, यहाँ कितने टीचर है? पाँच। कितना बजे से था स्कूल आपका? 9 बजे। चलिए ठीक।